हेलो गाइस, हाय, दिस इज योर ट्रेनर केवी। बट आज मैं आपको कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि आज हम करेंगे थोड़ा सा एंटरटेनमेंट, आज करेंगे थोड़ी सी आउटिंग, क्योंकि मौसम है बहुत ही शानदार। तो मैंने सोचा कि आज कहीं बाहर चलते हैं, कुछ घूम के आते हैं, कुछ चाय शाय पी के आते हैं। क्यों राज? और आज तो राज भी आया हुआ है। यस सर, घर पे बहुत ज्यादा बोर हो रहा था, तो आज सोचा कि सर के साथ कहीं घूमने चला जाए। तो आप वीडियो में बने रहना और देखना कि हम आज कहाँ जा रहे हैं और क्या करते हैं। ओके गाइज, we will continue, so let's do something interesting. To love like such a fool, yeah, I was dumb, but she was me. तो गाइज, अभी हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं पुल के पास। हम लोगों ने आधा रास्ता तय कर लिया है और रास्ता बहुत ही इंटरेस्टिंग था। पहले तो बहुत ही आप कह सकते हो कि मौसम बहुत बढ़िया था, लेकिन अभी देखो बहुत ज्यादा धूप आ चुकी है और हम लोग बिल्कुल अभी एक जो हाईवे पुल है, गरगा ब्रिज है, जो हाईवे पुल है, हम यहाँ से नज़ारा देख सकते हो। मैं कहूँगा आपको कि नज़ारा दिखाने के लिए, और यहाँ बहुत ही अच्छी हवा चल रही है। आप अगर हाईवे को देखो तो बहुत ही आनंद आएगा। गाइज, आप लोग भी अपने अपने घरों से बाहर निकलो और थोड़ा सा व्यू एंजॉय करो। हमारे इस एरिया में बहुत सारी जगह हैं घूमने लायक, तो आप लोग वहाँ जा सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। हम लोग इस वक्त रास्ते के बीच में चल रहे हैं और थोड़ा सा वेदर को एंजॉय कर रहे हैं, और आपको पता ही है कि घूमना हम लोगों को कितना पसंद है। और इस वक्त आप देख सकते हो, राज, अगर आप एक बार दिखाओ वहाँ पे कि कितना अच्छा व्यू है। अगर आप इस साइड की तरफ जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी नेचुरल प्लेस पे आ गए हो, ट्रैवलिंग टूरिंग विजिटिंग प्लेस पे आ गए हो। तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा एंजॉय करो, घर में बैठ के रहने से कुछ नहीं होता है, थोड़ा हमें लाइफ को एंजॉय भी करना चाहिए। राज, क्या बोलता है? हाँ, सही बात है सर, और देख सकते हो यहाँ का व्यू काफ़ी बेहतर है। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग अभी बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। अभी हम लोग एक नए रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे हैं, जो कि हमारे एरिया में अभी नया नया खुला है, और उसका व्यू आप लोगों को दिखाएंगे। आई होप कि आप लोग एंजॉय करेंगे उसको बहुत अच्छे से। और राज, ऐसा लग रहा है कि राज थक चुका है। राज, थक चुके हो? नहीं नहीं, अभी कहाँ थक है, अभी तो स्टार्ट ही है। बिल्कुल, तो एंटरटेनमेंट करने में कभी भी पीछे रहना नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोग सब हो के भी एंटरटेनमेंट में। और फाइनली अब हम आपको दिखाएंगे कि आ चुके हैं, तो राज एक बार व्यू दिखाओ। तो देख सकते हैं ये रहा चाय सुट्टा बार, तो चलते हैं। अब हम हमारा लोग नया रेस्टोरेंट, जिसमें हम लोग एंजॉय करेंगे, और हम लोग क्या मंगवाते हैं वो आपको अभी पता चल जाएगा। तो लेट्स कंटिन्यू, चलते हैं अंदर। हेलो गाइस, तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं चाय सुट्टा बार, और ये अभी अभी खुला है, और आप लोग इसके अंदर जब भी आएंगे तो बहुत एंजॉय करेंगे। और आज हमारा फर्स्ट टाइम है इसमें, काफी रिव्यूज मिले थे इस रेस्टोरेंट के, तो देखते हैं कि ये रेस्टोरेंट कैसा है। आते हैं अंदर। तो आपको इंटीरियर दिखाते हैं, यहाँ पे काफी अच्छा इंटीरियर बना रखा है इन्होंने। और आज हम कौन सी डिश लेंगे या कौन सी फ्लेवर की टी लेंगे, कॉफी लेंगे, ये सब पता चलेगा। आप मेरे साथ आइए, तो मिलते हैं भैया से। हाँ जी, हेलो भैया, कैसे हो? अच्छे हैं सर, बताइए। आपका बहुत ज्यादा नाम सुना था हमने कि यहाँ के टी का फ्लेवर बहुत ही जबरदस्त है, कॉफी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे अच्छे डिश हैं। तो ये आप आज हमें क्या खिलाने वाले हो, आप या क्या पिलाने वाले हो? आज आप सर हमारे यहाँ का केसर टी ट्राई करिए। ओके, केसर टी हमारा यहाँ का बेस्ट है। ऑल राइट, और आप लोग ये कैसे बनाते हो यहाँ पे टी वगैरह? आपके पास कुछ खास इक्विपमेंट्स है कि आप कैसे बनाते हो यहाँ पे? जी नहीं सर, हमारे यहाँ पर जो भी होता है, हमारे यहाँ पर नेचुरली यूज होता है, अपना इलायची पाउडर यूज होता है केसर टी के लिए, और हमारे यहाँ पर जो चाय का पत्ती आता है वो एमपी से आता है, यहाँ की जो फ्रेंचाइजी वही प्रोवाइड करती है चाय सुट्टा बार। तो आज हम एमपी की चाय पीने वाले हैं दोस्तों, और केसर टी शायद आपने पहले टेस्ट नहीं की होगी, लेकिन आज अगर आप टेस्ट करोगे तो आपको मजा आने वाला है। तो भैया फटाफट से दो केसर टी कर दीजिए हम लोगों के लिए। जी जी, अभी तो हम लोग वेट करते हैं। हाँ
तो हम लोग आप लोग का केसर। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों अब हमारी टी आ चुकी है और उम्मीद है कि बहुत मजा आने वाला है। राज, चाय पसंद है? तो दोस्तों जस्ट मैं आपको एक सिप लेके बताता हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। पहले आपको पिला देता हूँ ये चाय, ये आपके लिए। अमेजिंग। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आप भी 100% एंजॉय करने वाले हैं केसर टी, वन ऑफ द फेवरेट टी ऑफ ऑल भारत। सो आई वांट यू गाइस टू कम एंड टेस्ट इट। थैंक यू। तो आ गए हम लोग चाय पी के अब काउंटर पे, और अब हम इन लोगों को बिल पे कर दे हैं, और बिल पे करने के बाद इनको थैंक यू कह देते हैं। भैया आपकी चाय बहुत ही लाजवाब थी, बहुत मजा आया आपकी चाय पी के। जी थैंक यू सर, दोबारा जरूर विजिट करिएगा। तो अगली बार आप हमें कौन सा फ्लेवर खिलाने वाले हैं? अगली बार सर आप फूड आइटम्स ट्राई करिएगा जिसमें हमारा पिज्जा बर्गर एंड सैंडविचेस रहते हैं, तो उसमें आपको पिज्जा ट्राई करेंगे, वो पिज्जा हमारा बेहतर होता है और ज्यादा बेस्ट होता है। थैंक यू। तो अगली बार हम करेंगे कुछ नया ट्राई और करेंगे आप सबका भेजा फ्राई, और मिलेंगे अगले वीडियो पे। और आज के लिए इतना ही, और बाकी वीडियोस देखने के लिए बने रहे केवी एंटरटेनमेंट के साथ एंड डू योर एंटरटेनमेंट। थैंक यू। तो फाइनली गाइज हम लोग निकल रहे हैं, और सर यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा बताइए? यहाँ के एक्सपीरियंस की आप बात करो तो अगर आप इस जगह आओ तो आई एम श्योर कि आपके टाइम वेस्ट नहीं जाएगा, आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं जाएगा, और आप बहुत अच्छे से यहाँ एंजॉय करोगे। आपको एक पीस मिलेगा और चाय का जो फ्लेवर मिलेगा ना दोस्तों, आप बहुत एंजॉय करोगे। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार यहाँ ज़रूर आओ और एंजॉय करो। थैंक यू। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, और फिर देखते हैं कब मूड बनता है, और जैसे ही मूड बनेगा आप लोग उस मूड को अपने अपने वीडियोस में देख सकते हो। तो फ्रेंड्स टिल देन गुड बाय।